हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुचि एंड आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। जैसा कि मैंने आपको डाइवर्सिटी चैप्टर में बताया था कि फर्दर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड लास्ट हमारा क्या है, एनिमेलिया। तो आज हम अपने इस एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। वॉट इट मीन्स, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप होंगे। फर्दर आपका मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये कई सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, मतलब कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, एनिमेलिया। मैंने आपको क्या बोला, ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, ट्रू होगा, यानी कि वेल डेवलप होगा। मल्टी सेलुलर होंगे, व्हाट इट मींस कि ये कैसे होते हैं, कई सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि डिपेंड करते हैं दूसरे पर फूड के लिए। समझ गए आप? तो ये क्या है, किंगडम एनिमेलिया। इस एनिमेलिया किंगडम को फर्दर कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये सारे नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि एनिमेलिया किंगडम को फर्दर कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है। आप याद कर लो, इट्स पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब आप इनके नाम का मतलब समझो, फिर उसके बाद हम आपको वन बाय वन एक एक करके सारी चीजें बताते रहेंगे। सबसे पहला क्या है, पॉरीफेरा। पॉरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉरीफेरा में कैसे एनिमल्स होंगे, जिनमें पोर्स प्रेजेंट होगा, पोर्स यानी कि जिनमें होल्स प्रेजेंट होंगे। सेकंड हमारा है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा वर्ड सीलोन से लिया गया है। सीलोन का मतलब होता है कैविटी, मतलब कि इन एनिमल्स में क्या चीज प्रेजेंट रहेगी, कैविटी प्रेजेंट रहेगी। थर्ड हमारा है प्लेटी हेलमेंथीस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, तो यहाँ पे फ्लैट वर्म्स आएंगे, आप ये बात याद रखना। नेक्स्ट है नीमाटोडा। नीमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, ठीक है, टोडा मतलब एनिमल्स, नीमा मतलब थ्रेड लाइक, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही पतले से, लंबे सिलेंड्रिकल से होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नीमाटोडा। नीमा का मतलब थ्रेड लाइक, यानी कि धागे के तरीके से होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनेलिडा। जो ये एनेलिडा हैं, ये एनेलिडा वर्ड एन्यूलस से लिया गया है, एन्यूलस, और एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, यानी कि इनकी बॉडी पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो आप? तो ये किस में आ गए, एनेलिडा में। नेमाटोडा में क्या था, ये फर्दर बहुत ही पतले से थ्रेड लाइक होंगे। फिर क्या है, आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे भी देखो, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, यानी कि जुड़े हुए, पोडा का मतलब होता है लेग, यानी कि आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स होंगे उनके लेग कैसे होंगे, जॉइंटेड होंगे। जैसे कि आप, और आपको मैं बता दूं, अर्थ पे 80% से ज्यादा जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपका मॉस्क्यूटो हो, चाहे आपकी वो फ्लाई हो, ग्रास हॉपर हो, आंट हो, कॉकरोच हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट हमारा मोलस्का। मोलस्का में सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं, जैसे पाइला हो गया, स्नेल जिसे आप घोंघा कहते हो, अकाइनोडर्मेटा। अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो यानी कि जो अकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स होंगे उनकी स्किन कैसी होगी, स्पाइनी होगी, मतलब उनमें कांटे पाए जाएंगे। आपने स्टार फिश देखी है, स्टार फिश की पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रो मतलब पहले, मतलब कि प्रोटोकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी पर किसी ना किसी स्टेज में एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, एक बस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट और सबसे एडवांस होते हैं वर्टिब्रेटा। इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा और इंटरनल स्केलेटन पाया जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितनी हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथीस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये सब कुछ आप याद रखना, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।